उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर की जो ऐतिहासिक जीत है, कल भी पूरे प्रदेश में या देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उत्सव मनाया, और आज झारखंड विधानसभा में झारखंड की जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो हम सब लोग भी एक उत्सव मना रहे हैं। और उत्सव में विशिष्ट प्रकार की वेशभूषा भी होता है, जिसे एक संदेश है सर भगवान के आने का। देखिए, भगवा तो त्याग और तपस्या का एक प्रतीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है देश के लिए और देशवासियों के लिए तप करते हैं, तपस्या करते हैं और सेवा का काम करते हैं। तो आगे बाबूलाल जी कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता की जीत है, विपक्षी दलों का कहना है कि सांप्रदायिकता की जीत है। देखिए, विपक्षी तो शुरू से ही जो सांप्रदायिकता की राजनीति ही वो लोग करते रहे। अब झारखंड की राजनीति में देखिए ना, उनके किस प्रकार से राजनीति किया, भाषा को लेकर के उर्दू को पूरे प्रदेश में उन्होंने क्षेत्रीय भाषा बनाया। झारखंड विधानसभा में नमज कच्छ उन्होंने बना के रखा हुआ है, हम लोग हटाने के लिए पिछले दफा आंदोलन किए हैं और एक कमेटी बना दिया है, अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय नहीं लिया। स्कूलों में भी जहां मुस्लिम बच्चे होंगे तो 100 घोषित अपने आप को वो घोषित कर सकते हैं कि हम मुस्लिम में से हैं, पिछड़ों में से हैं, लेकिन शेष जो बच्चे हैं ST है, SC है या OBC है अदर, तो उनको बजाबता जो प्रॉपर जहां से उनको सर्टिफिकेट मिलता है सक्षम पदाधिकारी, वहीं से उनको बनाना पड़ेगा। तो ये झारखंड सरकार की ये तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा नमूना है। तो तुष्टीकरण तो वो लोग करते हैं, सांप्रदायिकता तो वो लोग फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर हमेशा कहती है कि भी न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं। आज भी देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, आप कोई मुसलमान बतावे, कोई क्रिश्चियन बतावे कि हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गरीबों के खाते में पैसा हो, किसानों के खाते में पैसा भेजना हो, चाहे वो शौचालय का निर्माण, इन्हें जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं बिना भेदभाव किए सबों के यहाँ तक पहुँच रहा है। तो अगर आज ये भेदभाव कोई कर रहा है तो यहाँ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, JMM के लोग बैठे हुए, कांग्रेस के लोग बैठे हुए, राजद के लोग बैठे हुए, इनको वर्षों तक यही करते रहे वो लोग, और जिस कारण से आप देख रहे हो धीरे धीरे देश से इनको जनता खदेड़ रही है। जनता को आप समझ में आ गया, ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, समाज को आपस में लड़ाते हैं, न्याय किसी का नहीं करते हैं, तुष्टीकरण सिर्फ करते हैं। कांग्रेस का क्या भविष्य है? कांग्रेस का भविष्य तो कांग्रेस वालों को आप देख ही रहे हैं पूरा देश में, धीरे धीरे आप थोड़ी सी कहाँ राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में है, हमें लगता है कि अगला चुनाव आएगा तो वहाँ से भी छुट्टी हो जाएगी, उनकी जनता छुट्टी कर देगी। बहुत दिन राज्य किया है लोगों ने, आप कम से कम विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। झारखंड में 2024 तक की सरकार चलेगी, क्या लगा? अब ये तो उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अब उन लोगों के ऊपर देखिए कितना विरोधाभास है, उनके नेता ही उन नेता उनको नहीं मानते। अब उसके लिए तो हम लोग नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर है, मंत्री है, वो क्या कहा उन्होंने, अभी चिंतन शिविर से आ रही थी, हम कहाँ कह रहे हुए गिर सकती है, हमने तो कहा कि उनके यहाँ जितना अंतर विरोध है तो उसमें तो क्या होगा उनके बारे में हम कैसे बता सकते। हम तो चाहते हैं कि जनता ने उनको दिया है काम करे, अच्छे ढंग से काम करे, राज्य के लिए काम करे, परिवार और पैसे के लिए सिर्फ नहीं राजनीति करे, कम से कम हेमंत सोरेन जी इतना हम जरूर कहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।